हे गाइस, वेलकम बैक टू एके व्लॉग्स। और आप देख रहे हैं अपना चैनल एके व्लॉग्स। तो गाइस, आज जो है मुझे बाइक लिए हुए 1 साल हो गया है। यस गाइस, अगर किसी को भी डाउट है कि 1 साल हो चुका है तो वो मेरे चैनल पे जाए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, देन मेरी वीडियोस देखे। मुझे पता है बाइक की कंडीशन मैंने इस हिसाब से रखी है कि आपको लगेगा नहीं देखकर कि इसे 1 साल हो चुका है। जी हाँ गाइस, मैं आपको किलोमीटर भी दिखा देता हूँ, काफ़ी कम मैंने चलाई है, ऑलमोस्ट खड़ी ही रहती है। लेकिन गाइस, जो मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आज आप लोगों के साथ वो सारा का सारा शेयर करूँगा मैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चलिए शुरू कर। जो पूरा सीजन था, 1 साल कैसा बीता इस बाइक के साथ, क्या कॉन्स थे, क्या प्रॉन्स थे, जो कि मैं पहले भी वीडियोस कर चुका हूँ, बट ये 1 साल का है गाइस। पूरे 1 ईयर हो चुका है मेरी बाइक को। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इंजन की। तो जो इसका इंजन है वो 350cc है, गन मेटल ग्रे डबल डिस्क वेरियंट है ये, जो कि डबल डिस्क में 350 में सबसे पहला वेरिएंट उतारा था डबल डिस्क के अंदर ये। गाइस, मैंने इसे परचेज़ किया क्योंकि इसमें डबल डिस्क था और प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था 350 से, जो ड्रम ब्रेक है उससे, बट मैंने इसे परचेज़ किया पिछले साल और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी गाइस। यू बिलीव मी, मैं इसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं दूंगा, मेजर कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एवरेज से लेके सारी चीज़ें। गाइस, कोई भी चीज़ अभी तक मुझे चेंज नहीं करवानी पड़ी है रियर टायर के डिस्क पैड के अलावा, क्योंकि गाइस मेरा चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आप लोग भी शायद करते होंगे। मेरा जो पैर है वो ब्रेक के बिल्कुल साथ में ही रहता है, लगा रहता है, इस वजह से वो चलते चलते शायद थोड़े से घिस गए थे, सो उन्हें मैंने चेंज कराया है। उसके अलावा कोई भी पार्ट इसमें चेंज अभी तक नहीं हुआ है, ना मुझे ज़रूरत पड़ी। इवन गाइस, टायर भी मेरा अभी तक देखिए आप बिल्कुल नए हैं, एक भी बार पंचर नहीं हुए, ना ही कोई पंचर लगा है इनमें, देखिए रियर भी देखिए आप एकदम नए टायर हैं। तो 4,500 किलोमीटर ही मैंने चलाई है, बस ये है गाइस, मैं थोड़ा टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करवाई है। आप मेरे चैनल पे जाइए, देखिए सारी वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए गाइस, और पीछे के शोर को जो है वो थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरे पास गाइस आपने देखा होगा ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, क्योंकि गाइस एक्चुअली थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बिजी चल रहा है इस टाइम, इस वजह से ये वीडियो आप तक थोड़ी सी लेट पहुंच रही है। वीडियोस अब आएंगी, आगे आती रहेंगी गाइस, क्योंकि अब तो 1 साल हो चुका है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि मॉडिफिकेशन करानी है, तो गाइस उसका टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, मैं बाइक भी इसीलिए नहीं निकाल पाता। अब थोड़ा सा टाइम निकालेंगे गाइस आप लोगों के लिए, प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और गाइस, प्रॉस तो इसमें एवरेज भी है, प्राइस ब्रैकेट भी है, और अब तो गाइस डबल डिस्क ब्लैक में भी आ गई है। तो आप अगर जा रहे हैं गन मेटल 350 लेने, ABS के साथ आ चुकी है अब, तो गाइस गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बताते हैं लोग कि इसमें ये दिक्कत है डिस्क पैड, ये वो ऐसा फलाना डिम, गाइस कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बात मानिए, अगर आप लेना चाहते हैं आप आंखें बंद करके लीजिए। बस एक प्रॉमिस है कि आप लोगों को जो एक इसकी सर्विस मेंटेनेंस है वो आपको इसको टाइम टू टाइम देना होगा, हर जितने कंपनी ने किलोमीटर्स पे बोले उतने पे आप करा लीजिए। वैसे कंपनी आपको खुद कॉल करती है लेने के बाद, सर आपकी सर्विस ड्यू हो गई है, आप सर्विस लीजिए वगैरह वगैरह, तो आपको खुद लेनी है और खुद करानी है गाइस। और काफ़ी अच्छी, सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है गाइस, इसका कलर आई कैची कलर है, देखिए काफ़ी अच्छा फिनिश, मैट फिनिश में काफ़ी अच्छा कलर दिया है गाइस। जो भी एक बार जहाँ से मैं निकलता हूँ पीछे मुड़कर ज़रूर देखते हैं लोग कि ये कलर कौन सा है, अभी भी कई लोगों को नॉलेज नहीं है इस कलर के बारे में। तो गाइस ये देखिए, पीछे से भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट मेरी बाइक बिल्कुल नई जैसी है। और बैकग्राउंड को भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा गाइस, पार्किंग है ये मेरे घर की, इस वजह से थोड़ा सा मैस्ड अप है सब चीज़ें, और उसके लिए सॉरी। और आप देखिए, खाली 4500 मैंने चलाई है लेकिन अच्छी चली है, मैं इसे लॉन्ग टूर पे भी लेकर गया हूँ एक आध बार, अच्छा परफॉर्मेंस था, कहीं ब्रेक डाउन नहीं, कहीं कुछ नहीं। काफ़ी वीडियोस मैंने सुने कि लोग कह रहे हैं कि इसके इंजन में प्रॉब्लम आ रही है या मिसिंग कर रही है, गाइस ट्रस्ट मी, मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि हाँ, बस इसमें जो एक मेजर मैंने नोटिस किया है, वैसे ये प्रॉब्लम तो नहीं है,
इसका जो आपका ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन इंजन में मतलब जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो इंजन के पेट्रोल टैंक के थ्रू है। देखिए मैं दिखा, मतलब आपने ये मुझे टेक्नीशियन ने भी बताया इसके अंदर, बस एक ये थोड़ा सा कि आप इसका टैंक फुल नहीं कर सकते। ये देखिए ये जो ये एरिया है यहाँ से ऑक्सीजन जाती है बस, तो मतलब आप इसको यहाँ तक फुल करा सकते हैं, ये यहाँ तक नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है ये ऑक्सीजन के लिए है इंजन में, और ये ऑक्सीजन होते हुए सीधा आपके यहाँ से, यहाँ से सीधा ऑक्सीजन का इसका, इस वजह से किसी किसी बाइक में, रेयर बाइक में मैंने सुना ये दिक्कत आ रही है, काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रॉब्लम इन गन मेटल, बट मुझे अभी तक कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आपको कभी आया आपने लेने के बाद, आप थोड़ा सा अपना टैंक खोलें, थोड़ा सा प्रेशर निकलेगा उसे निकलने दें, बंद करें, देन यू कैन स्टार्ट और आप राइड पे जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। डिस्क ब्रेक बहुत अच्छी है, प्रॉपर वर्क करती है, टाइम टू टाइम लगती है, और सारी चीज़ें एकदम अच्छी हैं गाइस। बैटरी बहुत अच्छी है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखे इतने बड़े हॉर्न्स इंस्टॉल कर रखे हैं, ये देखिए आपको आवाज़ सुनाता हूँ, तो मुझे इसमें अभी तक कोई दिक्कत नज़र नहीं आई है। अगर आपके पास भी गन मेटल ग्रे है और आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट डाउन बिलो, अगर मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन होगा गायज तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर से बोल रहा हूं गायज, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं इसलिए हम वीडियोस बनाते हैं गायज। थोड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आप लोगों को चीज़ें बताने में, और मैं बस, मेरा मोटिव किसी को भी हर्ट करना नहीं है या किसी को गलत ठहराना नहीं है, मैं बस अपना जो व्यू है मेरा रॉयल इनफील्ड, मेरी बाइक जो है उसके लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, मैं मिसगाइड नहीं कर रहा, आप रिसर्च कीजिए अच्छे से तब लीजिए, लेकिन बाइक बहुत अच्छी है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर रॉयल इनफील्ड के फ़ैन हैं तो ज़रूर लीजिए गाइस, और मॉडिफिकेशन जो है इसकी वो भी थोड़ी अच्छी हो जाती है, सस्ते दामों में, ज़्यादा महंगे पे नहीं, अच्छे दामों में हो जाती है, आप लोगों को वो भी ज़रूर दिखाएंगे। और चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ दीजिए गाइस। आप लोगों की बदौलत ही हम हैं, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी मेरी मेहनत आपका प्यार दोनों कर देंगे गाइस मिलके धमाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।